नमस्कार, मैं अंजुम कुरैशी, आप देख रहे हैं एएनटीवी। नगर निगम चुनाव में कोई भी पार्टी ढील देना नहीं चाहती, और जब बात हो कांग्रेस पार्टी की तो यह पार्टी के अस्तित्व का चुनाव है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को पिछले कई चुनावों में निराशा हाथ लगी है। इसलिए कांग्रेस दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अजय माकन ने निगम चुनाव का मैनिफेस्टो 5 बार में जारी किया है और दिल्ली की जनता के लिए काफी सारे वादे किए हैं। केजरीवाल के हाउस टैक्स माफी के वादे को झूठा बताया और कहा कि टैक्स में रिलीफ दिया जा सकता है लेकिन उसको माफ नहीं किया जा सकता। आइए देखते हैं दिल्ली की जनता के लिए क्या है इस मैनिफेस्टो में। आज हम लोगों ने अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर और सिविक एमिनिटीज के ऊपर जो आधारभूत सुविधाएं और नागरिक सुविधाओं के ऊपर आज हमारा ये 5वां मैनिफेस्टो है, और ये मैनिफेस्टो में जो पॉइंट्स हैं ये भी हम लोग पहली बार लेकर के आ रहे हैं, और इसके लिए कुछ बड़ी चीजें हम लोग, जिससे कि दूरगामी प्रभाव कॉर्पोरेशन की फंक्शनिंग के ऊपर पड़ेगा, उसको हम इसके अंदर रख रहे हैं। सबसे पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि फर्स्ट पेज की जगह 11 नंबर पेज इंग्लिश वाला जो है उसको अगर आप लोग खोल करके देखें तो हम लोगों ने इसमें भागीदारी की प्रथा, जो हमारी दिल्ली सरकार का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम था जिसमें लोगों का पार्टिसिपेशन गवर्नेंस के अंदर था रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन के माध्यम से, उसको हम लोग वापस कॉर्पोरेशन के अंदर रिवाइव करना चाहते हैं। दुख की बात यह है कि दिल्ली से कांग्रेस पार्टी की सरकार के जाने के बाद में हमारे रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन की इन्वॉल्वमेंट दिल्ली की गवर्नेंस में 0 के बराबर हो गई, और मोहल्ला सभा के नाम के ऊपर ये अपने पार्टी के वर्कर्स को डालने की इनकी कोशिश है वो भी पूरी ये लोग नहीं कर पाए। लेकिन रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान हमारे 15 वर्ष की कांग्रेस की सरकार के अंदर उनकी डेवलपमेंट में और लगातार मीटिंग्स होकर के सॉल्यूशंस को लेकर के आने में उनका रहा, और ये भागीदारी की योजना जो है वो एक तरीके से शेल्फ कर दी गई। कॉर्पोरेशन ने कभी भी, भाजपा शासित कॉर्पोरेशन ने कभी भी इसको अपनाया नहीं अच्छे से, तो हम लोग कॉर्पोरेशन के अंदर आने के बाद में इसको हम लोग भागीदारी प्रोसेस को, प्रथा को हम लोग पूरी तरीके से हम लोग लेकर के आना चाहते। अब अगर हम लोग इसमें फर्स्ट पेज से अगर हम शुरू करें तो जो बहुत महत्वपूर्ण हम कार्य यहाँ पे करना चाहते हैं, जो कॉर्पोरेशन की कार्य प्रणाली को पूरी तरीके से बदल करके फास्ट ट्रैक के ऊपर लेकर के आएगा, मैं आपको बताना चाहूंगा, याद दिलाना चाहूंगा कि 2011 में दिल्ली सरकार का टाइम बाउंड डिलीवरी ऑफ सर्विसेज का एक लॉ हम लोगों ने इनैक्ट किया था, उसके अंदर कॉर्पोरेशन की केवल 2 सर्विसेज उसकी शेड्यूल में डाली गई थी। जो 2 सर्विसेज डाली गई थी वो सिर्फ डेथ सर्टिफिकेट और बर्थ सर्टिफिकेट्स को, सर्विसेज को 2 चीज़ें सिर्फ डाली गई थी। हम लोग जो हैं उसी तर्ज के ऊपर एमसीडी राइट ऑफ सिटीजन टू टाइम बाउंड डिलीवरी ऑफ सर्विसेज का चार्टर हम बनाना चाहते हैं कि अधिकार नागरिकों का होगा टाइम बाउंड सर्विसेज डिलीवरी का कॉर्पोरेशन के अंदर, और साथ साथ इसके अंदर हम लोगों ने एडिशन ऑल्ट्रेशन एग्जिस्टिंग बिल्डिंग्स का परमिशन की हम लोगों ने कहा है, हमने न्यू रेजिडेंशियल यूनिट के परमिशन के लिए कहा है, परमिशन मतलब पूरे प्लान सैंक्शन समेत। आपको पता है कि जो सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का जो एक तरीका कॉर्पोरेशन में है वो बिल्डिंग के अंदर परमिशन और प्लान सैंक्शन करने का है, तो इसके अंदर हम लोगों ने सिटीजन्स को एम्पावर कर रहे हैं और राइट ऑफ सिटीजन टू टाइम बाउंड डिलीवरी ऑफ सर्विसेज को हम उनको अधिकार दे रहे हैं। हम कॉर्पोरेशन की तरफ से हम लोग ये सर्विसेज चार्टर रहेगा। इसके अंदर आप अगर देखेंगे अगले पेज में सेकंड पैरा बहुत महत्वपूर्ण है कि 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से पेनल्टी ऑफिसर के ऊपर लगाई जाएगी, जो ऑफिसर इसको डिले करेगा या जो ऑफिसर इसको समय पर नहीं देगा। जो हम लोग इसमें हर एक सर्विसेज को हम टाइम समयबद्ध हम करेंगे, किसी के लिए 7 दिन के अंदर, किसी के 15 दिन के अंदर, किसी के 30 दिन के अंदर, और जैसे ही अप्लाई किया जाएगा वापस फोन करके उसको कंफर्म किया जाएगा कि हाँ हमारा एप्लीकेशन आपका हमारा हमारे को आपका एप्लीकेशन मिल गया है, ताकि शुरुआत उससे करी जा सके। इसके साथ साथ में 6 महीने के अंदर
अभी तो हम लोगों ने इसमें जो सर्विसेज जोड़ी हैं वो 13 सर्विसेज सिर्फ जोड़ी हैं, लेकिन हमारा मानना है कि लगभग 50 के करीब ऐसी सर्विसेज हैं, म्यूनिसिपल फंक्शंस हैं जो कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में हम लोग इसको जोड़ सकते हैं। तो हम रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन में भागीदारी के माध्यम से और आम जनता से हम लोग बात करके हम इसको और आगे हम लेकर के इसमें हम और सर्विसेज को भी जोड़ेंगे ताकि टाइम बाउंड सर्विसेज सिटीजन्स को मिल सके। पार्किंग के ऊपर हम लोग RWAs को हम और एम्पावर करना चाहते हैं। भागीदारी का जैसे मैंने कहा, पार्किंग के ऊपर हम लोग इलाकों के अंदर रेजिडेंशियल एरियाज में पार्किंग चार्जेस लेने के लिए हम लोग RWA को अधिकृत करेंगे। जो लोग ट्रांसपेरेंट तरीके से RWAs अगर चाहें तो वहाँ पर पार्किंग ले के लिए पार्किंग शुल्क ले सकें और अपनी डेवलपमेंट, इलाके की डेवलपमेंट के लिए वो फंड लगा सकें। तो हम रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन को एम्पावर करना चाहते हैं कि वो अगर चाहें आपस में लोगों से बात करें और लोगों से बात करके अगर पार्किंग चार्जेस उनको चाहिए तो पार्किंग चार्जेस अगर सब लोग चाहते हैं तो वो पार्किंग चार्जेस लेकर के रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन के पास ही आएँ, जिससे कि वो रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन उसका इस्तेमाल कर सके। साथ ही साथ में मल्टी लेवल पार्किंग को हम लोग तेजी से हम लोग बढ़ाना चाहेंगे। अंडरग्राउंड पार्किंग को हम लोग जहां पर भी जगह होगा हम लोग उसको बनाना चाहेंगे। कल मैंने बताया कि हम लोगों ने जैसे अर्बनाइज्ड विलेजेस के अंदर अगर आप आगे देखेंगे, अनऑथराइज्ड कॉलोनीज के अंदर हम लोग मल्टी लेवल पार्किंग जहां जहां पे भी जगह मिलेगी कॉरपोरेशन उसमें हम लोग बनाना चाहेंगे। और साथ साथ में जो पार्किंग के लिए माफिया जो चलता है उसको हटा करके, मिडिल मैन बीच में से हटा करके हम लोग इसमें ट्रांसपेरेंट सिस्टम लाएंगे ताकि पार्किंग के चार्जेस भी पूरे मिल सके और साथ साथ में लोगों को फायदा पहुंच सके। आपको याद होगा कि हम लोगों ने अपने मास्टर प्लान में 2007 में जो लेकर के आए थे, 2021 के मास्टर प्लान में हम लोगों ने FAR स्टिल्ट्स की पार्किंग को हमने FAR से मुक्त कर दिया था। उसी तरीके से हम लोग इसको एग्जामिन करेंगे कि कैसे हम बिल्डिंग्स में, कमर्शियल बिल्डिंग्स में एडिशनल FAR एज इंसेंटिव दे सकें जो अपनी बिल्डिंग्स के अंदर ही अंडरग्राउंड या स्टिल्ट्स के ऊपर एग्जिस्टिंग बिल्डिंग्स के अंदर पार्किंग की स्पेसेस क्रिएट कर सके। तो जब हम इंसेंटिवाइज करेंगे इन सब चीज़ों से तो लोग जो हैं प्रेरित होंगे कि पार्किंग स्पेस विद इन बिल्डिंग अपनी और क्रिएट कर सकें, ये हम लोगों की कोशिश होगी। अब प्रॉपर्टी टैक्स के ऊपर, हाउस टैक्स के ऊपर बहुत महत्वपूर्ण दो बातें हम लोग कहना चाहते हैं। हम लोग जो हैं एग्जेम्पशन देना चाहेंगे जितने भी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टी टैक्स वेव ऑफ नहीं हो सकता है। प्रॉपर्टी टैक्स अगर आप पूरा वेव ऑफ करेंगे तो उसके लिए कानून में परिवर्तन करना पड़ेगा। केजरीवाल जी जो बार बार बोलते हैं वो बातें बोलते हैं जो कि वो कर ही नहीं पाएंगे। हाँ, हम लोग एग्जेम्पशंस दे सकते हैं। तो हमने दो एग्जेम्पशंस हमने इसके अंदर डाली हैं। एक तो रेजिडेंशियल सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज जो हैं, जो खुद लोग अपने रहने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, वो प्रॉपर्टी टैक्स से एग्जेम्प्ट होंगे। और दूसरा, साथ साथ में जो कमर्शियल प्रॉपर्टीज हैं उसको अगर कोई 65 वर्ष से ऊपर जो सीनियर सिटीजन्स हैं वो अगर उसके ओनर्स होंगे तो वो भी प्रॉपर्टी टैक्स से एग्जेम्प्टेड होंगे। बाकी कमर्शियल जो प्रॉपर्टीज हैं उसके ऊपर टैक्स लगेंगी, लेकिन अगर जो कमर्शियल प्रॉपर्टीज जो 65 वर्ष से सीनियर सिटीजन्स हैं वो उनके लिए प्रॉपर्टी टैक्स का एग्जेम्प्शन होगा। कन्वर्जन चार्जेस का एक बहुत बड़ा मसला है। 2007 के हमारे मास्टर प्लान में हम लोगों ने मिक्स लैंड यूज़ और कमर्शियल लैंड यूज़ कन्वर्ट होने के बाद में कन्वर्जन चार्जेस और पार्किंग चार्जेस हमने कहा, और साथ में हमने ये भी उसमें डाला था कि 10 वर्ष का जो कन्वर्जन चार्जेस एक साथ में देंगे उनसे पैसे नहीं लिए जाएंगे। अब 10 वर्ष पूरे हो गए हैं और जिन्होंने भी ये कन्वर्जन चार्जेस 10 वर्ष के जमा करा दिए हैं वो अब दुकानों को या नॉन रेजिडेंशियल यूजेज के लिए उनको अब कन्वर्जन चार्जेस नहीं दिया जाएगा, कन्वर्जन चार्जेस मुक्त हो जाएंगे। जो लोगों ने 10 वर्ष लगातार कन्वर्जन चार्जेस दिए हैं या जो लोग अभी तक 10 वर्ष का कुल जमा करा चुके हैं या जैसे ही 10 वर्ष का जमा हो जाएगा 10 वर्ष के बाद में वो कन्वर्जन चार्जेस नहीं दिए जाएंगे। टॉयलेट्स के बारे में हमारा ये कहना है, हमारा ये यार्डस्टिक होगा कि हर एक किलोमीटर के दायरे में पब्लिक टॉयलेट्स हम बनाएंगे और एक किलोमीटर के दायरे में जो पब्लिक टॉयलेट्स बनाएंगे उसके अंदर हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करेंगे ताकि कम पानी से भी वो चल सके
और साथ साथ में जो स्लम एरियाज हैं वहाँ पर भी हम लोग की ये पब्लिक टॉयलेट्स और बाथिंग फैसिलिटीज, नहाने की और कपड़े धोने की फैसिलिटीज की बहुत कमी है, इसको हम लोग वहाँ पर भी उसको ठीक करेंगे। एक और इसमें हम कॉरपोरेशन की फंक्शनिंग में आधारभूत एक हम बदलाव चाहते हैं, एक यूटिलिटीज मेंटेनेंस डिपार्टमेंट अलग से हम कॉरपोरेशन में बनाएंगे। कॉरपोरेशन में अक्सर हमने देखा है कि पब्लिक टॉयलेट बहुत खराब स्थिति में होती है, पार्किंग भी बहुत खराब स्थिति में होती है, अगर वो प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप में ना हो, और अगर हो भी तो उसमें ढंग से कई बार वो नहीं होती है, नहीं ढंग से बन पाती है। उसके अलावा नाइट शेल्टर्स भी या बारात घर कम्युनिटी हॉल्स भी बहुत अच्छी कॉरपोरेशन की स्थिति में नहीं होती है। तो ये सब जो यूटिलिटीज हैं इनकी सबकी एक मेंटेनेंस डिपार्टमेंट अलग से होना चाहिए। दुर्भाग्यवश इसको अलग से कॉरपोरेशन इसका अलग से ध्यान नहीं देती है, इसलिए चाहे वो कम्युनिटी सेंटर्स हों बारात घर, चाहे वो पब्लिक टॉयलेट्स हों, चाहे वो हमारे पार्किंग स्पेसेस हों, इस तरीके का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो यूटिलिटीज हैं लोगों के काम आने की, जिसका जिससे बाहर से या दिल्ली के लोगों के ऊपर भी एक असर पड़ता है, उसकी मेंटेनेंस को अलग से डील करने के लिए एक यूटिलिटीज मेंटेनेंस डिपार्टमेंट और अलग से उसको बजट मुहैया कराएगा। विलेजेस जो हैं अर्बनाइज्ड और रूरल विलेजेस के ऊपर हम लोगों को विशेष हम जोर देना चाहते हैं। दुर्भाग्यवश दिल्ली के अंदर जो हमारे विलेजेस हैं लगभग 369 विलेजेस दिल्ली में है रूरल और अर्बन मिलाकर के, और इन्हीं जो गांव की जगह है उन पे पूरी दिल्ली बसी हुई है।